101.3 आकाशमणि फेम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घरे वर्तमान समय अछि 8:10 तेबे मॉर्निंग मेलोडी आज जणी खास गेस्ट अछंती तांको स्वागत करिवार समय हे जे किंतु तांको स्वागत करया पूर्व तांको विषय में निहत किछि कहबी कारण आज मैं एते खुशी तांको सहित कथा हे आ तांको सहित कथा हेबी बहुत सारा आमे कथा आबा से होछंती ओडिसा माटी रसर भाव प्रवणतार स्वर निया रसर ओडिसा माटर आपणार स्वर जहाँ स्वर पूरा पल्ली परिचित पिलाटू बुढ़ा जाए समस्त स्वर को भल पाती आमर अति प्रिय आकाशवाणी उद्घोषक बसंत महांती आज होछंती मॉर्निंग मेलोडर गेस्ट बसंत भाई नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार श्रोता मानक नमस्कार भाई केमते अछंती कोंतु आगे लॉकडाउन भीतर लॉक हे की रहिछि हो भाई आपण त लॉक हे देले किंतु हमहु कुटी अनलॉक करिया को चांस दे देले कारण आपण आज समय दे छथि माने माने बहुत बड़ कथा कारण आपण को पाइबा गोटे भाग्यर कथा आ आपण आकाशवाणी कटक रो उद्घोषक भाबर काम करछंती आपण को प्रतिटी क्षेत्र अवदान छ आकाशवाणी पे ता सहित आपण श्रोता को भीते भल पाए दे छथि लोक एबे भी खोजुंदी बसंत मांदी कोड गले मो पसंद परे आ से स्वर रो माने माधुर्य देखबा को मिलला ने आ कहा पाखरे श्रोता माने होचंती मो पई ईश्वर ईश्वरी आज्ञा श्रोता को नमणीव नर ईश्वरी ईश्वर आज्ञा बहुत सुंदर कथा तेणु श्रोता माने गढ़ी आमको आज्ञा आम गोटे परिचय सृष्टि केवल श्रोता मान द्वारा आज्ञा तेणु श्रोता माने सब बेले जमी गणेश भाई अग्रपूज्य आज्ञा तेबे मुठ नि जानवाक चाहे आपन तो कहले लक है घर अच्छा कि स्वरटा मानते लक है एबि बाजुच श्रीमद भागवत जो एफएम रेनबो प्ले कर आकाशवाणी कटक मेन स्टेशन आनाउन्स मैंने बजाऊँच आपण को समस्ते मन पकाउंट केवल से दूरदर्शन भी आप बहुत भयस रेकर्ड हो सब जगार बसंत महांती स्वर बाजुच लोक आप भल पाँच भाग्य नु आपण को भगवान सेमती गढ़ी देछन एते सुर सुंदर सरोटे देछन माने आपण को निहाती भए लोक मन पकेबे तबे म एटी जानै चाहे भी बसंत महंती कर गोटे सुंदर थिला गोटे परिचय जोटा एबे भी अछि गीत गीतिकार आपण जो करंती जेतर सकाळ 9टा 10टा लोक ऊपर आग्रह सहित अपेक्षा करथन केबे बसंत भाई आसबे गीत गीतिया सुनिया को मिलिवो आपण गोटे कनक घरी उपाख्यान थिला सेटा बेसी फेमस हेथिला नै सेटा कोन हुए श्रोता मान सहित मिसापी बयस्क बयस्क छोट पा छोट पा से ये सहित मिसीज चेस्ट करे गोटे सुना झी सुना झी ना कथा गुडा कहती गीत गुडा बसला किंतु सही जो भावधारा टा बजाय रही रिटायरमेंट पर बहुत कम कर बाजुच लोक खोजुच मो पसंद पुणी थे बसंत भाई पलि आसंदे मो पसंद तो समस्त पसंद चाकू तो अवसर नवाक पड़ो तेनाली जो मैंने आसने निश्चित भल करेंगे जो प्रतिभा माने माने समस्त प्रतिभाजुक्त प्रतिभाजुक्ता जो मैंने आसु नुआ मान भल करेंगे नुआ भी करेंगे लोक मान पसंद ही हम निहाती भाव में समस्ते आपको पसंद कर बहुत भल पाए तेरे आज हम आकाशवाणी आम जो एफ एम रेनबो चैनल आपड़ मर्निंग मेलोडर गेस्ट अच्छे मुझे तो बहुत खुशी होगी कारण मो खुशी मो पटर शब्द भावनी कारण मुझे बसंत भाई सहित कथ हो कारण आपन को देखा भी गोटे स्वप्न था कारण मुझे जिते श्रोता थी आपंकर प्रोग्राम शुणुली आपड़ जो भेटा को मुझे पर्सनाली बसंत महांती किए मुझे देखी समस्त कहते बसंत महांती कौ बसंत महांती आनाउन्सर बसंत महांती अलग किए आम अफिशियाल स्टाफ मुझे मो पसंद जी करके ना कौन से कौट आसमें मो ना जयश्री कह चिठी सब बेले दिए आप ना शुणु शुणु पड़े ओह तमे से चिठी दि कहली हाँ कहली आप बसंत महांती ना कहीं लगुनि कि तेरे आप मानते चिराचरित ढंग से कथ हम आपने जो गर्व अहंकार न था से बहुत भल लगे गोटे भल सुंदर व्यक्तित्व आपखे अच्छी से प्रभावित करा सारा सब लोक प्रभावित कर रखी तेरे ये भल व्यक्तित्व छड़ा आप गोटे भल गुण भल लेखा आउ भल सुंदर शब्द से कथबार्ता कर जोटा कहती सांगीतिकता संठना सभ्यता व्यवहार सबकि शिखा को मिलूँ कि पीढ़ी में कम हो जो भावधाराटा कौन कह संपर्क मु भाव आस्ते आस्ते आम जांत्रिक सभ्यता आड़ को बेस आगे जाऊ
मनीष भितर गोटे अच्छी पारंपरिक सद्भाव अच्छी जोटा आम बापा मा आम परिजन आम समाज आमको शिक्षा दे था आम जिते परस्पर को भल पाइबा से भाषा टा शुद्ध हम भल पाइबार भाषा टा कोमल हम किंतु आम एत जांत्रिक सब वे देखिए बर्तमान लैपटॉप पचरे बस थे कि टेलीफोन खेचु थे तेनालीम भितर जो मानने मो बो सा कथबार्ता करी मो बापा कथबार्ता करी मो भी सागर कथबार्ता करी मो बंधु मान सहित कथबार्ता करी समय ना कि जो समयहीनता ही आमको अलग आड़क टाणी नौ मनीष मनीष पुणी भल दिन आस बर्तमान देखु बाहर समस्त बुलूले कोरोना समस्त घर भितर पूरी समस्त समस्त निज निज काम कर तेरे आपण बहुत सारा अनुभूति साउंडी माने जो कहते हैं गोटे बड़ वृक्ष आगे जदि गोटे छोट फूल आसी छिड़ा हे फूल को भी बहुत किसी शिखा पड़ो कारण जन्मटा तार से वृक्ष आरंभ होती मुझे सहित कथा मुझे गोटे भी उपस्थापिका कि बहुत किसी शिखबार अच्छी मुझे भी किसी गोटे परसेंट शिखी कह मानते अत्युक्ति हम ना मुझे जाना चाहिए आप मानते भाषा जो सबलता रखी गोटे मधुर भाषा आपतर बजाय रखी आपड़ गोटे भल रईटर हिसाब से जनाशुना ये लेखालेखि प्रति दुर्बलता के आरंभ होता प्रत्येक मनीष सीमित किंतु आज जो आपण मान पीढ़ी असीमित कारण आम रेडियो देखिक जन्म होती आपण मान सब इंटरनेट टीवी माने प्रत्येक स्तर देखिए आपण माने जन्म होइछन्ति तेणु आम ठारु आपण मानक धारणा गभीर आमे सीमित थिलु एबे असीमित भितर आपण माने सब बहुत काम करछन्ति तेणु ए जो लेखा लेखी से सब स्वतः भितर आसे आ मते आकाशवाणी एथिपे बेसी अनुप्रेरित करछि तेरे से भावप्रवणताटा देखा जाऊनि आपन तो कहले सीमित असीमित कथा मुझे कहबी मानते आशा असमारी जाए मरी मरी आशाटा मरी मरी आसकार पीढ़ी भितर से कमी जाऊँगी आपड़ रेडियो देखिक जन्म होती रेडियो शुणिकी आप आकाशवाणी उपस्थापक होती उद्घोषक भाव में कम कर सफलता सहित दायित्व तुलई आपन जो कहे एबकार पीढ़ी बहुत भल प्रतिभा अच्छी प्रतिभा थी पचर भावप्रवणताटा कमी जाऊँगी कहते ना जो समस्त भाव प्रवणता आमर जो इनहरेन्ट कहती मान भितर आसी समस्त भाव प्रवण हो पारे किसी लोक मान भल पाइबे प्रवणता नु सीधा सी भल पाते जोटा से जन दौनते मुझे कि मान गोटे पर केवल गोटे समय बेले बेले टाणी नौ गोटे आड़ समय प्रवणता आड़ टाणी नौ आम बेस बास्तववादी भाव तथापि आम भितर वास्तवतार जरूरी समस्त कह प्राक्टिकाल हुआ प्राक्टिकाल ना लाइफ रे किसी आगे निश्चित प्राक्टिकाल हवा भी उचित भाव प्रवणत भाषी गले चलो ना आमको बंचा को पड़ो आमको बढ़िया को पड़ो तेज आज बसंत भाई सहित कथे मैंने पुराणा दिन टाक चाहिए टी समय हम पचे आकाशवाणी एफएम रेमरे श्रोता मैंने उपभोग करते मुझे हजि जाती टिके भाई आरंभ कर दिखते जो मैंने चिराचेता ढंग से उपस्थापना करती आकाशवाणी कटक गीत गीतिकार जो आप भावधारा था टिके भाई आज सकाल सकाल कहले दुख लगे मत नहीं खुशी लगे पुराणा दिन को फेर चाहू अज्ञा बहुत भल पाए रेडियो अज्ञा बहुत हजि जावा चाहे आभर फेर मोर इच्छा ना टिके भाई कारण आज समस्त शुणु मानते निहाती शुणा को चाहे कौन शुणे कह मो पाखे भाषार अभाव अज्ञा
आकाशवाणी कटक कहवा तो प्रवृत्ति थिला प्रत्येक कार्यक्रम सरला परे सेटा कहि होई थिला तबरे मु गुटे छोटो छोटो कविता सब कहुतली गीत गीतिकारे सुना जियो हो कि आ गुटे थिला कोन कहुतली भूली गलेनी मधुवर्णा हो दी तीनटा ना मधुवर्णा नाटा हमर गीतिकार शिष्टानंद दास कानून गो ये मधुवर्णा नाटक बहुत भल पाती तेणु मुझे मधुवर्णा को कहती केत सुना झील को कहती एमती कहती से मैंने कई नीले कि कहती से अनुसार गीत गुडा बाजुला मान आप भावना टा पूरा रूपरेख नौ कवित कविता जहाँ भी मन अच्छे चलो ओके ठीक अच्छे तेज आप मो पसंद चिराचरित भाव में कथ हे फोन लाइन में आप सहित श्रोता मैंने कथ हे श्रोता मान लगे से मैंने बहुत किसी पाई आपत पाठ पढ़ाई क्या अनुप्रेत करती के समाज में भल कम करने प्रेरणा दिखती आप गोटे प्रेरणार उत्स साजी थे से समय से धाराटा बलबत्त रही है एवं आपको समेत खोजुंत आपण से चिराचरित ढंग से टी मो पसंद टी जाओ भाई यहाँ निहती आप कह पड़ो दुख ये सब शेयर करे कथा ही शुणे मो कथा कम कथा बेसी कारण से समय टा आनंद पाई समय टा विनियोग कर फोन कर समस्त सहित कथबार्ता करनी बहुत बाकी रही गला किंतु से दिन गुडाक मो भारी भारी स्फूर्तिदायक निर्णय से स्मृति तैयारी कर दे जाइए सब बड़े सतेज हो अच्छे मुझे जी भाभी पड़ी आपण स्वर जमी आज पूरा पल्ली में परिचित स्वर ओडिशा मटीर स्वर हो सेमती आपण कविता बहुत भाइराल होता मझे जो फेसबुक रे गोटे गोटे लाइन छाड़ दौले लोक मैंने पुणी मन पकाते बसंत महंती पुणी फेरी आसते पुणी से ढंग से उपस्थापन करते कि समय आपन को विरती दे दी आगु टाणी दिए समय स्थिर कर दिए समय पछ को टाणी दिए तेना आम सब कामना करवा आम आग को जीवा आमर भविष्य गढ़ा एवं गोटे सुस्थ निरोग समाज गठन सहायक दबा निहती भाव में तेज आप गोटे बहुत भल लाइन थी मुझे जी जानी अधिक का स्नेह प्रेम करनी जोटा पचे दुखर कारण हम और से लाइन को नहीं बहुत लोक चर्चा भी करते कारण आप बहुत लोग स्नेह देते आपड़ से एति स्नेह पाई बोले आज मुझे दुख बोच कारण से स्नेह मत आउ थे पुणी के मिल पार कि नहीं सन्देह भितर अच्छी किंतु आपण भाव प्रवणता दर्शाई दूसरी आप रेडियो को कते भल पाती एवं भी लोक कते भल पाती आउ मुझे निहती जाना चाहिए आप घर संपर्क आप कहे मुझे लक है घर अच्छी घर सब किए किए अच्छा घरे मो पत्नी आज्ञा सान झील जी पीजी कर दूरता बजाय रखा मास्क पिंधिया आम गहली स्थान को जीवा ना सानिटाइज कर हाथ को देह को रोग दूर को चल जाए कि मानु ना जुआ देखिए लोक मान पूरा भर्ती होती चतुर्दी लोक कई मानु ना कई बुझुना तेणु घरे रही
सुख एवं घरे रहिबार दुख आज्ञा केते घरे बसि तथा तमको घर बसिया को पड़िबो ना आपण भी घरे बसि की रेडियो रे मजा नउचंती रेडियो सुनचंती तासत भल पाए मधे बांटुचंती एबे किछि दिन तळे आपण उठे बहुत सुंदर कथा पोस्ट करले हे समय प्रतिटी पलकरे परसदीय मरण आ सामान्य आसारे जर्जरित होय जीवन प्रतिटी सकाळ आपण सफेद चादर आवरण आ गैरिक चेतनार आमंत्रण बहुत सुंदर लाइन जाओ आपण मने रखी साहित्य की रखे कारण आपण होचने बहुत प्रिय मनीष आम समस्तकर आ जेतले मु आपण जूनियर ही भी काम करथले मु आपण बहुत की शिक्षा पडले आपण थिले प्रथम प्रेरणा उच्चम पई आपण ही मते डाकी देथिले ना जयश्री भलो करि परिवो जेतले मु प्रथम आकाशवाणी कटक केन्द्र रे काम करी आरंभ कली आ आज मु आपण सहित कथा होच माने मो मन रे सेति की एक्साइटमेंट अछि फिल्म आपण सहित कथा होची आ आपण कथा मो कथा को आज श्रोता माने सुनु चोंती आकाशवाणी एफएम रेनबो रे आ मु निहाती भाई आपण को दी लाइन सुनिया को निहाती चाहिबि दी लाइन कविता हि जाउ जहा भी कहले चलिबो दी लाइन कविता माने कविताडु काई के जाउ चोंती टिके टिके भाई हि जे आपण को सुरो रे हमें सुनिया चाहौ छु जीवन त कविता है कि नाही जीवन गद्य पालती जे गद्य भीतर हमें जीवन को खोजिबा आज्ञा आमे परस्पर को खोजिबा निजु को आमे चिन्ह पारनु मु किए मोर परिचय कोन मु काहे के आसी छी आज्ञा ए सब जिंस आमे जदी परस्पर निजु को चिन्ह को प्रयास करिबा तबे ए समय टळी जीवो निहति भाबरे आ गुटे नुवा समय आसीबो एवं सेई समय रे देखिबे समस्त सुस्थ निरोग एवं स्वार्थ विहीन होइकि चलचो सेइटे हमो पे गोटे बड़ समय आसी त आपण को लागु छि से समय आसीबो समय सब किछि धोइ देबो दुखर काळीमा धोइ देबो सुखर वर्षा हि बरसिबो हां एई आकी दुई मोर हसर कारण एई आकी दुई मोर लुहर कारण निहति भाबरे आखिरे भी हसी परिबे आज्ञा आखिरे भी कांदी परिबे निहति भाबरे त आपण टिके पुरपुरु चेष्टा करिबा निहति आपण हसु थांद सबले आपण मोर हस अछि बि आपण ते सुंदर सुंदर लाइन लेखु चंती आपण टिके पुर कहथले जे बहुत कथा अधार रहला बहुत किछि कहबार थिला श्रोता मानंकु आ मु कहि पारलेनी अवसर नै गेली समय मते विदा दे देला टिके समय पई किंतु आपण मन भीते से भल पाए उजीवित अछि सेइत पई त आपण ते सुंदर सुंदर लाइन लेखि पर चंती जेंति कि मु टिके पुर समय पर गोटे कविता कहथली आपण चोरा चैतळ पर गोटे कविता लेखिथिले सेटै बहुत वायरल हेतला लोक मानको बहुत लाइक कमेंट मते से आस्तिला आउ आपण आज सकाळ एफएम रेनबो रे कथा होजु ना एफएम रेनबो रे मते लागु छी अधिका मु जति के आपण नचिन छी अधिका लोक श्रोता आपण चिंतिबे ताको कोन कहियो छै जे मन आज आपण सुनु जोंती एफएम रेनबो रे मु भी किछि दिन सेते काम करि छेंती आज्ञा करते आज्ञा आज हिसाब रे आरंभ रु हम एफएम रेनबो से अलगा माध्यम आज्ञा माने आकाशवाणी कटक भली गोटे मैं गोटे शगड़ गुण चलुवा चैनल एफएम रेनबो नुह एफएम रेनबो रे नुआ नुआ कथा करि परिबे नुआ नुआ दर्शन दे परिबे नुआ नुआ भाव उपस्थापना करि परिबे जेते मनोरंजक हम जेते श्रोता मान पाखे पहुंचे भाषा कथबार्ता करिबे सेमती किसी नियम कानून विषय ना एफएम रेनबो हूँ गोटे मुक्त पक्षी मुक्त विहंग आकाश से मुक्त विहंग जो स्वाधीनता से स्वाधीनता आम कार्यक्रम रूपांतरित बहुत भल लगता आज जो मैंने शुणुथे एफएम रेनबो आज हूँ कि लिस्नर हूँ सेमाने सेमती प्रोग्राम निहाती डिमांड करिबे ले भविष्य में आशा कर अभाव ना लोक मानकर भी अभाव ना जो मैंने करे भी अभाव ना से अच्छा कम करने व्यक्तित्व अच्छा तेणु से गुडा कले बहुत भल हम भाई आज को स्थिर कर दिया ठीक नुह
ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ମନର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଜି ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ଲେ କଲି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 233ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଜୁଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସି ଉପସ୍ଥାପନ ଲାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ରେକର୍ଡେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ସେଇ ଲାଇଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱର, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ଆପଣ ବି ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଦେବେ, ଏବେ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କହି ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଖାସ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ ମୋ ପସନ୍ଦରେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ମାନିକି ବଡ଼ ଲୋକ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଖାସ କରି ପଢ଼ିପାରୁନଥିବେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ପାସ୍ କଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଉପଦେଶ କେବେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମନବୃତ୍ତିଟା ବଡ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରବଳ ହବ ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କବିତା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଥର ମତେ କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, କବିତା ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଅମ୍ଫାନ ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିମର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କଟକରେ ଜଳେ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡା ସଖୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନ, ଅମ୍ଫାନ ଜାଳିଲା ଆମ ଉପକୂଳ, ଉଚ୍ଛନ ହେଲା ଜୀବନ, ଆଗ ପୁନେଇ ରାତିର ଜହ୍ନ, ଆଉ କର ନାହିଁ ଅଭିମାନ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଯୋଉଟା ମତେ ବେଶୀ ଛୁଇଁଛି ସେଟା ମୁଁ ନିହାତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ କବିତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଗଲାଣି ଫେମିଲିଆ ପରିସରକୁ। ଝରାପତ୍ରର ଝରଝର ନାଦରେ ଝରଣା ଝୁରୁଛି ପାହାଡ଼ ପାଦରେ, ଝରକା ସେପଟେ ଝଲମଲ ଦିଶେ ଅତୀତର ଦୃଶ୍ୟ ରାଜି, ଝମଝମ ତାର ପାଦର ପହଞ୍ଚି ଉନ୍ମୋଦନା କରେ ଆଜି। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଶବ୍ଦ ଆଜି ସାଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆଗକୁ ପ୍ରତିଭା ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି ବହି ଭାବରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟାକୁ ପଢିକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗଢିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଖାସ କରି କରୋନା ଟାଇମରେ। କରୋନା ଟାଇମରେ ନିଜକୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଯଦି ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା, ନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଭୁଲିଯିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସତର୍କ ରହିବା, ଆମେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ପିନ୍ଧିବା, ଯା ମାସ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଯାକୁ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ରଖିବା, କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଜୟ କରିବା। ଆଉ ଏ ସମୟ ଟଳିଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଡର ନ ରହୁ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯୋଉ ପରିଚୟ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମୋର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରୁଢେ, ଏବଂ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରୁଢେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏଫଏମ୍ ରେନ୍ବୋକୁ ଦେଲେ। ଆପଣ ତ ଏଠି ଆର୍ଜି ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବି ଫିକା, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିକି କାମ କରିଛି। ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ ସଦୃଶ୍ୟ, ଭାଇ ସଦୃଶ୍ୟ, ବାପା ସଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଖାସ କରି ମୋ ସିନିୟର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି। ଆଉ ଖାସ କରି ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ସତେଜ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ କାନରେ ମାନେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।